स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में, मैं आपके साथ मुस्कान। बीते एक सप्ताह पहले दिल्ली के संगम विहार में एक बड़ी अपराधजनक घटना घटी है। एक लड़की जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती थी, जिसके साथ कुछ दुष्कर्मियों द्वारा बलात्कार कर उसे पुलिस अफसर लड़की की हत्या की गई है। यह है असल पहचान हमारे देश की, जहां कई वर्षों से इस हैवान दरिंदों का शिकार बनती आ रही है मासूम लड़कियां। और वहीं केंद्र सरकार के बड़े बड़े नारे के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं दूसरी तरफ बेटियों की ऐसी हालत जो इंसानियत पर एक धब्बा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है, कब इसका खुलासा आएगा इसकी खबर अब तक सामने नहीं आई है। तो वहीं इस घटना के चलते विजयपुर शहर में AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से इस युवती के साथ होने वाली घटना से जुड़े सभी आरोपियों को सजा और CBI इंक्वायरी की मांग की जा रही है। इसी के चलते नगर में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर रबिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरह के नारे लगाते हुए जिलाधिकारी को मनवी पत्र सौंपा है। जिंदाबाद 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 राबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। SS News से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल SS News को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए SS News।